हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चे जस्ट अभी अभी स्कूल गए हैं और उसी के बाद से जो है ब्लॉग शुरू किया है। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह जो है वो बनाकर दे दिया था और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय और इनके लिए। तो ये बच्चों को छोड़कर तब तक आ जाएंगे जब तक चाय बनेगी, क्योंकि ये नहा कर ऐसे ही चले गए, चाय वगैरह नहीं पिए। नहा कर पूजा कर कर बच्चों को छोड़ने के लिए चले गए थे क्योंकि टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा। बच्चों के लिए जो है आलू का भुरता बनाया था और पराठे बना दिए थे। तो जो है ये भी मना कर रहे हैं, कह रहे दलिया मत बनाना और यही पराठे मतलब रोटी बना देना मेरे लिए, तो मैं वो खा लूँगा। मैं पराठे में ज़्यादा देती नहीं हूँ तो रोटी की बोलते ही हैं। और वैसे भी ना सुबह सुबह जो है ये खाना ही नहीं चाहते, पराठे वगैरह नहीं खाना चाहते हैं। तो बस यहाँ पर उनके लिए रोटी बनाऊंगी और चाय बना लेती हूँ, फिर चाय पीकर उसके बाद लगूंगी काम से। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बच्चों के ही काम में लग जाती हूँ। कभी कभी होता है टाइम होता है तो पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद बच्चों के काम ख़त्म करती हूँ। लेकिन आज जो है सीधे जो है झाड़ू वगैरह लगाई और करने के बाद बच्चों के लिए जो है पराठे वगैरह बनाए और आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे भुरता, क्योंकि अभी जो है ना कट कर कर जैसे मैं कभी कभी जल्दबाजी में बॉईल नहीं करती, कट कर कर ऐसे ही बना देती हूँ, तो वो खाता नहीं है, उसको भुरता ही पसंद है। तो वो बॉईल करने के बाद ही बनाओ तभी वो खाता है। तो जो है वैसे ही बनाए थे और टाइम थोड़ा सा लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो वैसे जो है बच्चे चले गए हैं, अब आराम से काम करती रहूँगी मैं। तो चलिए यहाँ चाय मैंने बनने के लिए रख दी है और इनके लिए रोटी बना देती हूँ क्योंकि ये आने ही वाले होंगे। तो एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। तो इधर में जो आलू की सब्ज़ी बच्चों के लिए बनाई थी वो थोड़ी सी है और ये दे दूंगी मैं रोटी के साथ और चाय दे दूंगी, तो ये नाश्ता कर लेंगे। तो ये आ चुके हैं, मैं इनको जो है नाश्ता दे देती हूँ। और इनके लिए मम्मी के लिए रोटी बनाई है, बाकी सब लोगों के लिए जो पराठे बनाऊँगी। तो रोटी बन चुकी है, अब यहाँ पर पराठे बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ अंदर, इनको नाश्ता करा दिया है सभी लोगों को, उसके बाद जो अंदर आ गई हूँ। आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो बस फटाफट से जो है चादर वगैरह मैंने अच्छे से बिछा दी है और डस्टिंग वगैरह कर कर झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो अब जो है मैं आपसे बाद में मिलूँगी, क्योंकि काम को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है व्लॉगिंग के चक्कर में। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो अपने घर का सारा काम ख़त्म कर कर और खाना वाना भी बना कर जो है ना मैं आ गई हूँ अपनी देवरानियों से मिलने के लिए।
यहाँ पर डॉली की ना कई दिनों से तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो मन हो रहा था कि मिलकर आऊँ, तो मैं यहाँ पर डॉली से मिलने के लिए आ गई थी। और उधर ही ना मैंने प्रीति को भी बुला लिया था, और श्वेता जो है ना वो काम वाम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो उससे मैं वहीं मिलकर आऊँगी, तो बाद में मैं उससे भी मिलने गई थी। तो बस ये लोग जो है ना बिल्कुल पास पास में रहते हैं, मतलब बिल्कुल घर एक पास में ही है इन दोनों का, और मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ, तो मतलब जब मैं इधर की तरफ आती हूँ तो इन सभी से मिलकर जाती हूँ। तो यहाँ पर डॉली ने चाय वगैरह बना ली थी, और अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है उसकी, लेकिन हाँ लग रहा था मुझे कि मिलकर आना है मुझे, क्योंकि फ़ोन पर बात करने पे ना बहुत मतलब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तबीयत इसकी हो रही है, और वाकई में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, और अभी भी जो है दवाई वगैरह चल रही है उसकी, लेकिन यहाँ पर जो है फिर भी ये मानी नहीं, चाय वगैरह बना ली इसने, मैं मना कर रही थी, तो बस यहाँ पर हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, और थोड़ी सी जो है ना हम लोगों की मस्ती वस्ती हो रही थी। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं, तो सारे बच्चे मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शैतानी इनकी हो जाती है शुरू। तो यहाँ पर मिष्टी अभी आई नहीं थी, मिष्टी और अभी गए हुए थे स्कूल, लेकिन मैं जो है ना मतलब वो स्कूल गए हुए थे, मैं उन्हीं के पीछे आ गई थी, तो फिर उसके बाद मिष्टी भी आ गई है, और यहाँ पर देखिए तीनों कैसे मस्ती कर रहे हैं बैठकर। तो बस यहाँ पर हम लोग तीनों बहुत देर बैठकर हमने बातें की, बस श्वेता जो है वो नहीं थी यहाँ पर, और थोड़ा सा यही था ना काम का टाइम था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या काम कर रही है, तो मैंने उसे बुलाया भी नहीं था। और प्रीति जो है ना वो मतलब मैं जब गई थी तो वो मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा आ जा, तो वो आ गई थी, और यहाँ पर बच्चे सारे बैठे हुए हैं, हाय कर रहे हैं, तो बच्चों को भी ना वो ये लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, तो इनको पता है कि ताई जी व्लॉग बनाती हैं, तो बस यहाँ पर बच्चे हमेशा जब जब मैं उन्हें दिखाती हूँ तुरंत हाय करते हैं वो आप लोगों से। तो यहाँ पर बच्चे जो है नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और बच्चे इन दोनों को इतना परेशान कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे कि दोनों ठीक से मेरे पास बैठ भी नहीं पाई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो काफ़ी देर जो है डॉली के पास बैठे रहे, उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ यहाँ पर श्वेता से मिलने के लिए, और श्वेता वाकई में काम कर रही थी, देखिए हाथ जो है ना उसके सन रहे थे, तो बोली दीदी मैं जो है ना ब्रेड पकोड़े बना रही थी, तो बस बच्चों की फरमाइश या भैया की फरमाइश पे जो है ये ब्रेड पकौड़े बना रही थी, और मैं आ गई थी अचानक से, तो मैं भी शामिल हो गई थी। तो होता है ना कभी कभी कोई ना कोई चीज़ जो है अचानक से हम लोग उस चीज़ में शामिल हो जाते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि आज जो है कुछ स्पेशल बना रही है श्वेता, और बस अचानक से जो है मैं शामिल हो गई इसमें। तो यहाँ पर जो है हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, तो बस यहाँ आने के बाद जो है ना टाइम ही निकल जाता है पता नहीं चलता, तो बस हम लोग जो है बैठकर बातें करते रहे। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मिष्टी की कुछ चीज़ें मुझे लेकर आनी थी, तो मैं श्वेता को लेकर जो है मार्केट चली गई थी, वहाँ से जो है बस थोड़ा सा सामान मिष्टी वाला लिया, और उसके बाद जो है घर आ गई थी। तो बच्चे जो है ट्यूशन से आ चुके हैं, और मैं काफ़ी देर बाद जो है आपसे मिल रही हूँ, मैं घर आ गई थी, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, उसके बाद जो है जो भी काम था घर का वो ख़त्म कर लिया है मैंने, और बच्चे आ चुके हैं, तो बस बच्चों को हल्का फुल्का सा कुछ चाहिए होता है खाने को, तो वो मतलब खा लिया है इन्होंने, उसके बाद अपने डैडी के साथ बैठ गए हैं ये लूडो खेलने के लिए। तो कभी कभी जो है बच्चे इस तरीके से मतलब करते हैं, दोनों अकेले खेल रहे थे, उसके बाद ये भी आ गए थे तो ये भी बैठ गए थे, तो बच्चों में जो है थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, यहाँ पर तीनों ये बैठकर खेल रहे थे, मैंने कहा चलो ये भी सूट कर लेती हूँ, अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा लगता है इस तरीके से जो टाइम एक दूसरे के साथ जब हम लोग बिताते हैं। तो बस मैं जा रही हूँ किचन में, मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया था, और यहाँ देखिए मैं बनाऊँगी जो है अब खाना, तो बस सब्जी वगैरह कट कर लिया है मैंने, यहाँ पर मैंने गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो गाजर कट कर ली है, मटर जो है मैंने छील कर रखी हुई थी तो वो रखी हुई है, आलू भी कट कर लिए है।
तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने के लिए, और इसमें जो है मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मेथी दाना। मेथी दाना में ना छोंक कर जब हम गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बनाते हैं बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ऊपर से जो है मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, तो हल्दी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पर नमक डाल दूँगी मैं इसमें, और अच्छे से जो है मसाले को भून लूँगी। और यहाँ पर जो है टमाटर हरी मिर्च भी मैं कट करके डालूँगी। और ये जो सब्ज़ी है ना थोड़ी सी चटपटी ही अच्छी लगती है गाजर मटर आलू की। तो यहाँ पर अच्छे से तीखी कर कर मैं इसे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और इसमें ना ऊपर से मेथी जो है ना कट कर कर डाल दो तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन मेरे पास मेथी थी नहीं, मतलब मैं मंगाना भूल गई थी, मेरे पास कसूरी मेथी थी, मैं वो डालने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने मेथी दाने में इसको छौंक दिया है, उससे भी ये टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर गाजर डाल दी है ऊपर से, और आलू डाल दिए हैं, मटर डाल दी है, और अब मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाजर जो है वो खुद ही पानी छोड़ती है। तो बस इसको ढक देती हूँ और ढककर जो है इसको पकने दूँगी। और यहाँ पर जो भी सामान है फ्रिज वाला वो फ्रिज में पहुँचा दूँगी, और जो भी बर्तन हैं थोड़े बहुत वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस किचन जो है साथ के साथ सेट कर देती हूँ, उसके बाद जो है आटा लगा कर रख दूँगी। तो सामान सारा सेट कर दिया है, यहाँ पर बर्तन भी मांज लेती हूँ मैं। तो बर्तन वगैरह मांज कर मैंने आटा लगा लिया है, और अब यहाँ पर रोटी बनानी शुरू कर दी है। और इधर में सब्जी बनकर हो गई है तैयार, ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया से भी बहुत अच्छी सी जो खुशबू है वो आती है और अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर फटाफट से रोटी बनाकर इन लोगों को दे दूँगी, खाना खा लेंगे ये लोग, और उसके बाद जो है इनको जाना है मेला। तो मेले की कई दिनों से कह रहे हैं, लेकिन बस यही है कि जाना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को घुमा ही लाओ। मेला लगा हुआ है हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता किस चीज़ का मेला है और पहली बार लगा है। तो किचन का काम हो गया है ख़त्म, और अभी ख़त्म क्या, रात तक वैसे तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हाँ खाना वाना सब कुछ बन गया है। और मैं आ गई हूँ अंदर, कोई भी नहीं है, अकेली हूँ। बच्चे गए हुए हैं अपने डैडी के साथ घूमने के लिए। हमारे यहाँ ना एक मेला लगा हुआ है जो कभी नहीं लगता, अब की बार वो लगा है। तो बच्चों को था, मतलब बच्चे जैसे ट्यूशन वगैरह जाते थे तो बच्चे बातें करते थे कि हम वो मेला देख कर आए, वो तो उन्हें उसी दिन से धुन थी कि जाना है जाना है। तो मैंने कहा ले जाओ बच्चों को, तो वो लेकर गए हैं मेला दिखाने के लिए। और बस खाना वाना जो है जब भी खाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे, अभी नहीं खाया है तो फ्री होकर बैठ गई हूँ। और मौसम काफ़ी चेंज हो गया, अब इतना ठंडा नहीं है जैसे था। तो जो है स्वेटर वगैरह भी नहीं डाला हुआ है, देखिए आज तो मैंने सिर्फ शॉल डाल रखी है, बाकी स्वेटर वगैरह कुछ नहीं है, वरना स्वेटर के बिना नहीं रहा जाता था मुझसे। तो बस बैठ गई हूँ और टीवी चला लिया है, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखूँगी क्योंकि अकेले जो है ना मन नहीं लगता बिल्कुल भी, बच्चे चले गए हैं तो बच्चे होते तो शोर करते ही रहते हैं कभी कुछ कभी कुछ। तो आ जाएंगे, वैसे तो गए हुए आधा घंटा हो गया उन लोगों को, आधा घंटा हो गया। तो मम्मी से बात हुई थी थोड़ी देर पहले और रुचि से भी बात की थी, तो आज है रुचि की शादी की सालगिरह, मतलब पहली एनिवर्सरी है। और जो है आज के दिन हम लोग घर पर ही थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज के दिन को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था हम लोगों ने। तो एक साल यूँ ही निकल गया पता ही नहीं चला, तो आज उसकी एनिवर्सरी है और आप सब लोग जो है उसे ज़रूर विश करना। तो जो है बहुत मतलब एक साल ऐसे ही निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला, तो बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो अभी अभी उसी से बात हुई थी मेरी, और मम्मी से भी बात हुई थी, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है इस टाइम, तो उनसे भी बात करी थी मैंने। तो बस बात कर लेती हूँ फ़ोन पर थोड़ा सा, वैसे तो जाना हो नहीं पाता, मैं बहुत कम जाती हूँ अपने घर, और जाती भी हूँ तो रुक नहीं पाती, ये हो गया है अब तो। पहले जो है ना चली जाती थी तो जैसे
10-15 दिन रुक लेती थी, अब नहीं हो पाता है रुकना। तो याद भी बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी मन करता है कि रुक कर आऊँ घर पर थोड़े दिन, लेकिन नहीं हो पाता है। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। बच्चे अभी जो है ये है कि अब उनका हमेशा ये रहता है, कभी भी जाने का प्लान बनाओ तो कभी टेस्ट है, तो बस याद तो आती ही है घर की अपनी। और मैं ना किचन में जो है पानी गर्म करने के लिए रखा ही हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है अभी के रेडी का पानी जो है ना वो बॉइल करने के लिए रखा था, वो पीते हैं ना बॉइल कर मैं रख देती हूँ उनका पानी। तो मतलब सर्दी सर्दी तो ऐसे ही थोड़ा सा गर्म पानी ही देती हूँ मैं पीने के लिए। तो बस वो गर्म हो गया है, ये ना खाना खाने तक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो पी लेंगे वो आराम से, वरना गर्म रहता है तो फिर वो ठंडा पानी ही पी लेते हैं खाना खाने के टाइम पर, ये है उनका। तो फिर पहले से ही गर्म कर मैंने रख दिया है, अब खाना खाने तक जो है ना ठंडा हो जाएगा ये। तो चलिए थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ।